सोमवार को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के MRI भवन में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई जा रही है, जहां आप देख सकते हैं कि नागरिक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोग व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जाहिर तौर पर यहां पर लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संभावित तीसरी लहर को संभव बना रहे हैं। यहां कोई सुरक्षा कर्मी भी नजर नहीं आया जो इस भीड़ को काबू में कर सके। यह लापरवाही कहीं आगे चलकर महंगी न पड़ जाए। स्वास्थ्य विभाग की इस पर बिल्कुल सही नज़र नहीं है। यहाँ नागरिकों को खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार द्वारा लागू किए गए कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, लेकिन यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी जा रही है। संजय कुमार गुप्ता, कहाँ से आए भैया? घासी कटरा से। कहाँ पे लगे हुए? दूसरा डोज लगवाना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। हो गया 1.5 घंटे से। डेढ़ घंटे से लाइन में खड़े हैं, बताइए उस साइड साइड का लिया जा रहा है। कोरोना बढ़ाएगा बढ़ाएगा और बढ़ाएगा कोरोना। कोई गार्ड उठाए यहाँ पे? कोई नहीं है। आप मास्क नीचे लगाए थे? नहीं, हाँ मतलब उतार दिए, मसाला खा दे। नहीं नहीं एकदम। UP City News, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।